Hi guys, welcome back to another reaction video. Joined by this girl. Okay, so today. क्या हो गया? Today we are gonna react on a Kustani video. Joined by this girl क्या मतलब? Yeah, because आज हमारे से लड़ाई रखी है इसलिए that's why. कब हुई? वही है. Okay, so जो भी बोलो लो रहूँगी तो मैं wife ही. Okay, so आज हम react करेंगे जंग ए यहूद. दूसरी तरफ थे ये जंग ये प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम ने लेट किया था आई थिंक वही है राइट सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है एज यूजुअल लेट्स सी ओके ये इस वीडियो के बाद मुझे बहुत पता है इस जंग के बारे में बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद ओके एनिमेशन के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था मदीना काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी नॉट अ बिग डील राइट यस बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था सॉरी देख तू चाहती है तू चाहती है तो चाह देख तू चाह रही है लड़ाई करना फिर से मेरे साथ कौरों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और जिसका नाम था नहीं खालिद ओके और ये आई थिंक वही है कि जिस वॉर में अभी आई थिंक आमो सामने थे वो आमने सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए yes, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया मुहाजिरीन औस और खजरज हजार सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का अबू यस इन्होंने अबू सुफयान ये उनके लीडर थे अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफयान लीडर सुफयान उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा और उधर प्रॉफिट मोहम्मद और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वली घोड़ों के साथ ये आई थिंक वही बताया ना वो वाले लोग बोल रहे थे ये आई थिंक वही वॉर है जिसमें खालिद बिन वलीद प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट लड़ रहे थे और इस लड़ाई में आई थिंक उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के आई थिंक दो दांत तोड़े थे राइट लाइक लोग कमेंट में कर रहा था मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई ये तो खुदकशी है अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दी कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके तुमने पहाड़ से नहीं उतरना और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों के का गोश्त खा रहे हैं तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया हजरत अली ने जाके उसको फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी ख़त्म कर दिया फिर वहाँ से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया पहले लड़ाई थोड़ी सख्त लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरे और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे ऑफ कोर्स ओके फिर ये जंग तो ये हारेंगे पूछो क्यों ये प्रॉफिट मोहम्मद कि जो जंग थी ये लोग हारेंगे बिकॉज ऑब्वियसली खालिद बिन वलीद की जंग हारी नहीं है एंड दिस वन लाइक वो उनके अगेंस्ट है इस जंग में तो ऑब्वियसली लाइक उनका दिमाग ऑब्वियसली कमांड में है ऐसे ही वो नीचे उतरे खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर इंटेलिजेंट जैसे लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े अब द गेम वाज कंप्लीटली चेंज्ड मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय दो फौजों के दरमियान में फंस गए
और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया और उस टाइम वहाँ पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। जब शहीद हुआ तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहाँ से निकल कर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बग़ैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की कि मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं और वो वापस चला। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यस मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर। ओके सो व्हाट वी लर्न टुडे, लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न टुडे, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आज जो इस्लाम की वीडियो थी वो जस्ट नॉट फॉर ये करने के लिए नहीं है। ओके वी आर हियर टू लर्न एंड उसके बाद हम ऑब्वियसली वी नीड टू टेल व्हाट मतलब इस वीडियो से आज पता चला कि वो उनको लगता था लाइक क्या बोलते हैं उसको, उनको क्या है नाम था जो कोई भी जंग नहीं जीत। हाँ मैं बताता हूँ, द लेसन इज बेसिकली यू कैन से द बैटल यू नो, इसमें एक तो अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाना है और यूनिटी इज द मेन की। ओके अरे एक्साइटमेंट यू हैव टू कंट्रोल इट। ओके सो द बैटल ऑफ उहद जितना समझ आया यहाँ पे, सो ऑब्वियसली किसके बीच हुआ था, अर्ली मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का इनके बीच में लड़ाई थी। एंड हियर लाइक क्या उनका नाम था जो लीडरशिप किया थी, प्रॉफिट मोहम्मद लाइक इनको दूसरे लीड करते, एंड कुरैश जो कुरैश थे उनको लीड करते अबू सुफियान जिनकी तरफ से क्या नाम खालिद बिन वलीद उनको कर दे। एंड इन इसमें लाइक उन्होंने जैसे बताया उनका दांत शहीद हुआ था, कमा मैं कितने बड़ा खालिद बिन वलीद कितने बड़ा योद्धा है कि लाइक प्रॉफिट मोहम्मद तक तक उनके फाइट कर चुके हैं, वो जंग भी जीत चुके हैं। कमा मैं और जीते हुए नहीं मान सकते उस चीज़ नहीं आया ना आउटकम, इसका आउटकम क्या है, द बैटल रिजल्टेड लाइक हैवी लॉस फॉर मुस्लिम्स जो जो मदीना से आए थे मुस्लिम, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोमिनेंट फिगर लाइक हमजा एंड प्रॉफिट लाइक जो अंकल थे उनके, उनकी डेथ हुई उस टाइम पे। राइट सो इट्स अ ह्यूज लॉस, ये हारी थी लाइक जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीम थी उनके लिए हार थी बट कुरैशियों के लिए जीत थी। या ऑफ कोर्स सो या इट्स अ गुड वीडियो बट इट्स शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वीडियो बट कम ऑन मैन, लोगों ने बताया था, मैंने पूछा था ना भी प्रॉफिट मोहम्मद कितना तगड़ा सपोर्ट था, बट लोगों ने बताया था खालिद बिन वलीद उनके खिलाफ भी लड़े थे, आई थिंक दिस इज दी जंग वो लड़ाई हुई थी। ओके अब कमेंट्स में बताएं लाइक इन्होंने वापस ज्वाइन कब किया कमेंट्स में, ऑब्वियसली की वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो कौन सी वीडियो में डिटेल की है कि खालिद बिन वलीद ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेसिकली उनकी टीम या फिर उनके में कैसे ज्वाइन किया और क्या रीज़न था, और उन्होंने मतलब कमेंट्स में इनको कैसा ट्रिगर किया पॉइंट कि उन्होंने कुरैश की टीम अपनी छोड़ के लेकिन इनको ज्वाइन कर लिया। ओके कमेंट्स में बताया गाइस, या इट्स अ शॉर्ट वीडियो बट इट्स अ गुड वीडियो। ओके या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।